और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के परिणाम घोषित हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ 78% प्रभावी है वैक्सीन। नासिक से एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। आधा घंटे से ज्यादा बंद रही ऑक्सीजन की सप्लाई, 22 मरीजों ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सबसे ज्यादा तेज 13 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला भारत पहला देश बना। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा कोरोना से लड़ने की सारी रणनीति नोटबंदी जैसी है केंद्र सरकार की। गौतम गंभीर का केजरीवाल पर वार, कहा ना विजन है ना डायरेक्शन, दिल्ली मर रही है, इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा सरकार आईएसआई से बात कर सकती है पर विपक्षी नेताओं से बात नहीं कर सकती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी, कहा इस महामारी को सत्य निष्ठा और संयम से हराएंगे। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है। भारत सरकार ने कोरोना का कहर को देखते हुए 10वीं की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। भारत और ब्रिटेन के लिए एयर इंडिया की सभी फ्लाइटें 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई। हरे निशान पर खुलने के बाद टूट गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 224 अंक गिरने पर बंद हुआ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और अब देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें।